जनपद संभल की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना बैजोई पुलिस ने किया खुलासा, 270 पेटी कीमत बाजार में 18 लाख अंग्रेजी अवैध शराब के साथ किया एक तस्कर को गिरफ्तार। एक तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रौसी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में बहजोई कोतवाली पुलिस ने 270 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व एक ट्रक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गया। यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई थी। यह शराब पतंजलि च्यवनप्राश व हनी की पेटियों के बीच शराब जा रही थी। अवैध शराब पानीपत से आ रही थी, जिसकी कीमत बाजार में 18 लाख बताई जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पवासा चौकी है वहाँ पे एक सुनील कुमार को एक ट्रक के साथ पकड़ा गया। जब उसको चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट च्यवनप्राश और हनी उसमें लदे हुए हैं। गहनता से जब उस ट्रक की छानबीन की गई तो उसमें 270 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी, जो हरियाणा मार्का थी। इसमें दो ब्रांड थे, नाइट ब्लू व रॉयल स्टेज। ये सेल फॉर ओनली हरियाणा ब्रांड के शराब थे, जो केवल हरियाणा में बिकने के लिए थे। उसको ये लोग अवैध रूप से ला करके मुजफ्फरनगर, बरेली, संभल, रामपुर आदि जनपदों में सप्लाई करते थे। अब ये ट्रक पकड़ा गया है और इनके साथ इसका एक साथी जो अमित कुमार है, जो हरियाणा में इनको माल सप्लाई करता है, उसका भी नाम प्रकाश में आया है और उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। तरीके से ये गैंग पकड़ा गया है, अब इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। टोटल माल करीब 18 लाख रुपये का है और ये ट्रक भी इसके साथ में पकड़ा गया है और अब इन जो ये नेक्सस है, ये गैंग है, इसको पूरी तरह से बस्ट किया गया। जैसा कि इस प्रोडक्ट के साथ में बताते हैं, दिल्ली का च्यवनप्राश और हनी ऊपर से रखे हुए थे और ये इसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल सामान ला करके उसके साथ में उसके अंदर छिपा करके जो दूसरे स्टेट का शराब है उसको ला करके लोगों में बेचते थे, सप्लाई करते थे।